दोस्तों सनस्क्रीन हमारी स्किन केयर रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सनस्क्रीन हमें सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो बहुत सारा हार्म पहुंचाती है हमारी स्किन को, उनसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब भी हम सनस्क्रीन का सिलेक्शन करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी दुविधाएँ होती हैं। हमें लगता है कि सनस्क्रीन लगाने पर हमारी स्किन चिपचिपाहट तो नहीं करने लगेगी, कहीं सनस्क्रीन लगाने से हमारी स्किन पर सफ़ेद रंग की एक लेयर तो नहीं बन जाएगी, कहीं सनस्क्रीन लगाने पर हमारी स्किन के अंदर पसीना तो बहुत ज़्यादा नहीं आने लगेगा, कहीं सनस्क्रीन लगाने पर हमारी स्किन पहले से ज़्यादा काली तो नहीं हो जाएगी। और यही डर हमें कहीं ना कहीं सनस्क्रीन लगाने से रोक देता है, और सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से हमारी स्किन में प्रीमैच्योर एजिंग आने लग जाती है, हमारी स्किन समय से पहले काली या डार्क होने लगती है, हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन आने लगता है। सो हमें एक ऐसे सनस्क्रीन की ज़रूरत है जिसको लगा करके हमारी स्किन पर इन सारी ही प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 लगाना चाहिए। स्किन अफेयर्स का ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 है ये बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसे लगाने पर ना तो आपकी स्किन पर चिपचिपाहट होती है और ना ही स्किन पर आपके सफ़ेद रंग की कास्ट आती है, ना ही ये आपको पसीना देता है और ना ही ये आपकी स्किन को काला करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को धूप से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेड है, रेडिएशन है, उनसे आपको प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से आप अपने चेहरे को, अपने रंग को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके चेहरे पर आने वाली जो प्रीमैच्योर एजिंग है उसे भी डिले करता है। इसे हर 4 से 5 घंटे बाद आपको जरूर रिपीट करना चाहिए, क्योंकि SPF 50 जो है वो आपको 4.5 से 5 घंटे का ही प्रोटेक्शन देता है। सो मेक श्योर कि 4.5 से 5 घंटे बाद आप इसे रिपीट कर लें, ताकि आपकी स्किन को प्रॉपरली आप प्रोटेक्शन दे सकें। आपको इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।